कोरोना संक्रमण के कम मामलों के बीच आज से दिल्ली खुलने के लिए तैयार है। स्कूलों में जहां सोमवार से घंटी बजेगी, वहीं कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में भी छात्रों की चहल कदमी होगी। साथ ही स्विमिंग पूल के साथ जिम और स्पा सेंटर भी खोले जा रहे हैं। वहीं सभी दफ्तर 100% क्षमता के साथ काम करेगी। आपको बताते चलें, दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू का समय 1 घंटा कम होगा, क्योंकि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी रेस्तरां 11 बजे तक खुले रहेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, इस संबंध में उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की बैठक में निर्णय लिया गया है। वहीं स्कूलों में आज कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई शुरू होगी। वहीं स्कूल अपनी क्षमता के हिसाब से बच्चों को बुला सकेंगे। वहीं आपको बताते चले, स्कूल पहुंचने के दौरान छात्रों को अपने साथ सहमत पत्र ले जाना होगा। जी हां, आपको बता दें, इस संबंध में स्कूलों की ओर से अभिभावकों को अनुमति पत्र भेज दिया गया है, जिस पर अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अपनी सहमति देनी थी। जो छात्र बिना अनुमति पत्र के स्कूल पहुंचेगा, उसे स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। स्कूल खोलने के लिए प्रशासन की ओर से शनिवार तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्कूलों में हाइब्रिड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ही पढ़ाई जारी हो रहेगी। मयूर विहार फेज 3 स्थित विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सतबीर शर्मा ने बताया कि स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है। जी आपको बता दें, साथ ही जरूरी दिशा निर्देशों को स्कूल के मेन गेट, कॉरिडोर व वॉशरूम के बाहर लगाया गया है। स्कूल ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी स्कूल के सभी स्टाफ का टीकाकरण हो गया है। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल में आइसोलेशन के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की गई है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ, ऑक्सीजन सिलेंडर व बाकी अन्य जरूरी उपकरणों की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रिंसिपल ने बताया कि सोमवार को सिर्फ 50% बच्चों को ही बुलाया जाएगा, जबकि 50% बच्चों को मंगलवार को बुलाया जाएगा। स्कूल आने के लिए बच्चों के पास सहमत पत्र होना भी जरूरी है। गौरतलब है कि 14 फरवरी से नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को भी खोलने की तैयारी हो रही है। इसके लिए स्कूलों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिससे सभी स्कूल अपने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर लें। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 24x7 लाइव टीवी पर।